समझ आया बेटा? बताओ, यस समझ आ रहा है? तो इसका मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं उनमें क्या नहीं है, उनमें क्या नहीं है बेटा? जौ नहीं है उनमें, क्या नहीं है? जौ नहीं है। चलो तो बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा को, ध्यान से देखो, साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ रहे हैं, ठीक? साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? क्लियर? ठीक है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हैबिटाट की बात कर रहे हैं बेटा, कहाँ मिल रहे हैं, सुनो। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फिशीज हैं, मतलब साइक्लोस्टोम एक्चुअल में क्या होती है? फिशीज होती हैं। क्या होती हैं बेटा? फिशीज होती हैं। अच्छा, आपको याद है हमने वर्टिब्रेट के कुछ कैरेक्टर पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था? एक तो उसमें नोटोकोड होगी, उसके बाद वेंट्रल क्या होगी बेटा? नर्व कोड, उसके बाद एक, सॉरी, डॉर्सल नर्व कोड, सॉरी सॉरी, डॉर्सल नर्व कोड होगी, उसके बाद क्या होगा हमारे पास? वेंट्रल हर्ट होगा, क्लियर? तो नोटोकोड होगी, डॉर्सल नर्व कोड होगी, और हमारे पास क्या होगा? वेंट्रल हर्ट होगा। वेंट्रल हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? हर्ट प्रेजेंट होगा, ठीक? वेंट्रल हर्ट प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास और क्या हम बात करेंगे बेटा, और क्या बात करेंगे हम लोग? नोटोकोड होगी, डॉर्सल नर्व कोड होगी, और वेंट्रल क्या होगा हमारे पास? हार्ट प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, इसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं? हमने कहा नोटोकोड है, डॉर्सल नर्व कोड है, और वेंट्रल हर्ट है, क्लियर? ये चीजें हैं, ठीक है? हमारे पास ये चीजें हैं, समझ लो इस बात को। तो अब इसमें हम क्या बात कर सकते हैं, इसको समझना ध्यान से। अब हम क्या बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं बेटा, इसमें हम ये बात कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि नोटोकोड है, डॉर्सल नर्व कोड है, वेंट्रल हार्ट है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा, अब ये वर्टिब्रेटा में हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोम। तो हम साइक्लोस्टोम के हैबिटाट की बात करेंगे। देखो हम कैसे मूव करने वाले, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिटाट कहाँ मिलता है, फिर हम उसके डाइजेशन के बारे में जानेंगे, उसके रेस्पिरेशन के बारे में, उसके सर्कुलेशन के बारे में, और उसके लोकोमोशन के बारे में, स्केलेटल सिस्टम और उसमें एक्सक्रीशन और उसका रिप्रोडक्शन, ऐसे चलेंगे। ये जो कैरेक्टर्स हमने लिख दिए ये सब में कॉमन है, क्लियर है बेटा? ये जो कैरेक्टर्स हमने लिख दिए ये क्या है बेटा? सब में कॉमन है। ये क्या है हमारे पास? सब कैरेक्टर्स में क्या है हमारे पास? कॉमन है, क्लियर है? बताओ, बोलो। यस सर हाँ, अब इस चीज को समझो ध्यान से बेटा, इस चीज को समझो, ये हैबिटाट है हमारे पास। हैबिटाट क्या होता है बताओ जरा, सारे मेंबर कैसे हैं बेटा इसके? मैरीन है। कहाँ मिलते हैं हमारे पास? मैरीन पानी में मिलते हैं। और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक्टोपैरासाइट क्या होता है बताओ कोई, व्हाट इज एक्टो? एक्टोपैरासाइट क्या होता है? जो किसी के बाहर पैरासाइट हो। तो इसके ज्यादातर मेंबर कैसे हैं बेटा? एक्टोपैरासाइट है किस पे? दूसरी फिश पे। तो जैसे मान लो ये कोई फिश है, तो साइक्लोस्टोम दूसरी फिश पर ऐसे अटैच हो जाते हैं, और ये मान लो फिश है, और साइक्लोस्टोम भी फिश होती है, तो साइक्लोस्टोम वाली फिश ये इस फिश पे अटैच हो जाएगी, क्लियर? ये फिश पर क्या हो जाएगी? एक बार अटैच हो जाएगी, क्लियर है ये चीज? बताओ जल्दी से, बोलो। यस सर हाँ, यस सर ये इस तरीके से अटैच हो जाएगी और उससे उससे ब्लड सक करेगी, तो एक तरीके का एक्टोपैरासाइट है। अच्छा, अगर उसको ब्लड सक करना है तो कैसा माउथ होना चाहिए उसका? सकिंग माउथ। बात समझ आई बेटा? बोलो। यस सर हाँ ना, आप देखो खुद से देखो, अगर मैं साइक्लोस्टोम के डाइजेशन की बात करूं तो मैं कहूंगा भाई उनका जो माउथ होता है वो सकिंग होता है, और क्योंकि जॉ तो है नहीं, ऐसा गोल सा माउथ होता है उनका, ऐसा गोल सा माउथ होता है, और उस पे ऐसे टीथ जैसा कुछ लगा रहता है, और वो उससे क्या करते हैं? सक करते हैं।
उससे क्या करते हैं, दूसरे का न्यूट्रिशन सक करते हैं, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कुलर माउथ, ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर माउथ। और ये माउथ कैसा है बेटा, माउथ कैसा है, विदाउट जॉ, माउथ कैसा है वो, विदाउट जॉ, ये क्लियर है, बोलो बेटा, आ रही है समझ? यस सर। हाँ, तो साइक्लोस्टोम में कैसा माउथ है, सकिंग माउथ है, और कैसा माउथ है, सर्कुलर माउथ है, जॉ नहीं है क्योंकि हमने इनको किस में रखा है, अग्नाथा में। अब जरा आगे जाते हैं, इनके पास आगे इसके फीचर देखते हैं। अब देखो, हमने सबसे पहले कहा कि हम क्या डिस्कस करेंगे, डाइजेशन, सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन। मैंने कहा ये फिश है, ये क्या है, फिश, फिश है बेटा ये, तो अगर ये फिश है तो इनकी ये जो नीचे वाली साइड होगी उसे वेंट्रल साइड कहेंगे, उस वेंट्रल साइड पे वो जो फिश है ये, और इनकी ये कौन सी साइड होगी, वेंट्रल साइड होगी, तो वेंट्रल साइड पर इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स, गिल्स कितने हैं, 6 से 15, गिल्स का नंबर क्या है बेटा, 6 to 15 पेयर्स हैं, समझ आ रहा है बच्चे, बोलो, यस सर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, देखो ये इनका माउथ है जिससे ये सक कर रहे हैं, मैं एक चीज देखो इधर मेरी तरफ देखो, डायरेक्ट सबको दिख रहा है, ये ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं डॉर्सल, नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रल, इस वेंट्रल हिस्से की फोटो खींची हुई है ये, दिस वन, यहाँ पे। अच्छा आपको पता है गिल्स में पानी कैसे मूव करता है, देखो कैसे जाता है, किसी भी फिश में पानी उसके माउथ से एंटर करता है, माउथ से एंटर करके वो किससे बाहर निकलता है, और किससे बाहर आता है, गिल से बाहर आता है, क्लियर, किससे बाहर आता है, बोलो, यहां चीज समझ आ रहा है बेटा, बोलो बेटा समझ आई बात, पानी की मूवमेंट समझ आई, पानी बेटा किसी भी फिश में देखो पानी कैसे मूव करता है, ध्यान से सुनना, ये मैं फिश बना रहा हूं, ये इसका माउथ है, फिश के नीचे की तरफ ऐसे गिल्स होते हैं, इस तरीके से गिल्स होते हैं, ये फिश है आपके पास, तो अच्छा ये फिश का हार्ट होता है ऐसे, ये मान लो फिश का हार्ट होता है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, पानी माउथ से एंटर करता है, और किससे बाहर आता है, गिल से, समझ आ रहा है, और यहां से ये इस चीज को समझो, यहां से ये ब्लड को, ये ब्लड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये ब्लड ऐसे मूव कर रहा है बेटा, तो ये ब्लड जो होता है हमारे पास इस तरीके से, समझ लो ध्यान से बेटा, तो ये हमारे पास गिल्स है, ये हमारे पास क्या है, गिल्स, ये हमारे पास क्या है, गिल्स है, क्लियर, और ये ब्लड जो है यहां से ऐसे आ गया है, ऐसे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पानी है वो ऐसे मूव कर जाता है बाहर की तरफ, और जो ब्लड था वो गिल्स में आता है डीऑक्सीजनेटेड हार्ट से, और बाहर जब निकलता है तो वो कौन से वाला हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, क्लियर है, बताओ, समझ आई नहीं आई, आ रहा है समझ दिवांशी, आए बेटा समझ, यस सर। तो आपको ये समझ में आया कि इसके हार्ट में, जैसे मान लो मैं हार्ट यहाँ पे ये ऑरिकल बनाता हूँ और ये वेंट्रिकल बनाता हूँ, इधर ऑरिकल में बना रहा हूँ, ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो फिर यहां से चला जाता है बॉडी में, बॉडी से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, वापसी हार्ट में चला गया, आई समझ बेटा,
तो गिल्स में कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड, है ना? समझ पा रहे हो कैसे काम होता है फिश में? तो हमने कितने गिल्स बताए इसमें? 6 to 15 पेयर। कोई डाउट? बोलो, यहां तक समझ आ गई? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, साइक्लोस्टोम के लिए हम ये कह रहे हैं कि साइक्लोस्टोम में 6 से 15 हमारे पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। 6 से 15 गिल स्लिट्स है हमारे पास किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, 6 से 15 गिल स्लिट्स है हमारे पास किसके लिए? रेस्पिरेशन को लेके 6 से 15 गिल स्लिट्स है। क्लियर? यहां तक समझ आ गई बेटा? बताओ। यस सर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, जरा देखना ध्यान से। ये चीज हो गई। अब इसके बाद आते हैं उस पे, क्या नाम है बेटा, इसके सर्कुलेशन पे बात कर लेते हैं। थर्ड, सबसे पहले डाइजेशन में मैंने क्या बताया? देखो मैंने क्या बोला बेटा आपको, मैंने बोला है साइक्लोस्टोम एक खास तरह की फिश होती है जिनमें जॉ नहीं होती। जॉ ना होने की वजह से इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और ये ब्लड सक करते हैं माउथ की मदद से। क्लियर? दूसरा हमने बोला कि इनके पास जो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं जो नॉर्मल फिश में होते हैं, पर वो गिल्स के नंबर ज्यादा होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो गिल्स के नंबर क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की। फिश के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है बताओ मुझे जरा बेटा? फिश के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2, एक आर्ट्रियम होता है एक वेंट्रिकल होता है। तो सर्कुलेशन इसका क्लोज टाइप है, सही है? अब सारे वर्टिब्रेट में क्लोज ही चलेगा। क्लोज का मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा। दूसरा हम ये कह रहे हैं बेटा कि इसमें कितना हार्ट, कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर। सब तरह की फिश में हार्ट कितना होता है? 2 चैम्बर होता है। क्लियर? आगे समझ बताओ। यस सर। बोलो। अब देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है फिश के सरफेस पे, ध्यान से सुनो, फिश जो होती है हमारे पास, कोई फिश होती है, फिश के सरफेस पे ऐसे बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, आपने देखा होगा, होता है बेटा ऐसा? यस सर। ने क्या बोलते हैं? स्केल्स। स्केल्स। लेकिन साइक्लोस्टोम एक ऐसी फिश है जिनमें स्केल्स नहीं है। क्लियर? क्या नहीं है? स्केल्स नहीं है और पेयर्ड फिन्स नहीं है। पेयर्ड फिन्स का क्या मतलब है समझना ध्यान से। आगे मैं जो फिश के ग्रुप पढ़ूंगा उनको मैं ऐसे पढ़ूंगा, देखो मैंने ये फिश बना दी, तो जब आप बचपन में फिश बनाते थे तो यहां अगर फिन बनाते थे तो एक यहां बनाते थे, अगर यहां बनाते थे तो एक यहां बनाते थे, एक यहां बनाते थे तो एक यहां बनाते थे, तो ये फिश, ये फिन्स पेयर में हो गए। बोलो बेटा। यस सर। तो यहां पर जो फिन्स हैं वो पेयर में नहीं है और स्केल्स इनमें नहीं है, इसलिए लिखा डिवॉइड। क्लियर? तो मैंने क्या क्या पॉइंट पढ़ा? सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन में माउथ कैसा है? माउथ कैसा है? सर्कुलर। क्लियर? डाइजेशन में माउथ कैसा है? सर्कुलर। क्लियर? डाइजेशन में माउथ कैसा है हमारे पास? सर्कुलर माउथ है। ठीक, डाइजेशन में माउथ हमारे पास सर्कुलर है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा हमारे पास क्या है कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मतलब उसमें कार्टिलेज है, समझ लो। देखो व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम बताओ क्या होता है? हेड की बोन। बच्चे तुम्हारा जो स्कल है किसका बना हुआ? बोन का बना हुआ है। तुम्हें पता है दो तरह की चीज होती है, एक बोन होता है और एक कार्टिलेज होता है। यस सर। कार्टिलेज कहीं बता सकते हो कहां होता है? ये रहा। नहीं? यस सर।
ये क्या है? कार्टिलेज है। तुम्हारे नाक भी क्या है? अगला हिस्सा कार्टिलेज है। यहाँ नाक में बोन नहीं है बेटा, कार्टिलेज है तभी इसमें छेद कर देते हैं। आई समझ नहीं आई बेटा? यस आ गया सर। तो बोन और कार्टिलेज दो चीजें होती हैं जो सपोर्ट देती हैं। तो इनमें क्या है बेटा? इनमें हमारे पास वर्टिबल कॉलम में क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर क्या होगा? कार्टिलेजनेस। क्या होगा? कार्टिलेजनेस। समझ आ गई? नहीं आ गई बेटा? यस सर। आ गया सर। ठीक है, क्लियर? ठीक है। और सर्कुलेशन कैसा है बेटा? हमारे पास क्लोज टाइप है। तो सर्कुलेशन हमारे पास क्या है? कैसा है? क्लोज टाइप। क्लियर? बोलो। यस सर। हाँ, दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? आगे हम आ जाते हैं इसमें। हमने बात कर ली, क्या नाम है उसकी? अब देखो मेरी बात सुनो। आपको बेटा ये पता है कि जो वेस्ट बनता है हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वाला, वो कौन सा वेस्ट होता है बताओ? ये बताया था मैंने, नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया होता है जो बनता है बॉडी में। बोलो बेटा। यस सर। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो इस चीज को समझो, जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है उसका नाम क्या है? अमोनिया। उसका नाम क्या है हमारे पास? अमोनिया। ठीक है, तो हम इस चीज को समझ रहे हैं, हम इस चीज को समझ रहे हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट विच फॉर्म इज अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास क्या होगा बेटा? अमोनिया होगा। क्या होगा हमारे पास? वो अमोनिया होगा। ये चीज समझ आ रही है बेटा? बोलो। सारे ऑर्गेनिज्म में अमोनिया। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ जरा, आपने बेटा अमीनो एसिड सुना है कि नहीं? यस सर। यस सर। हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन किसमें टूटता है? अमीनो एसिड्स में। ठीक है, प्रोटीन किसमें टूटता है? अमीनो एसिड्स में। ये चीज समझ आ रही है बेटा? तो प्रोटीन हमारे पास किसमें टूटा? अमीनो एसिड्स में टूटा। अमीनो एसिड्स में हमारे पास जो टूटा है प्रोटीन, प्रोटीन जो टूटा है हमारे पास अमीनो एसिड्स में, उस अमीनो एसिड में से अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? अमोनिया। पर अमोनिया पानी में इस फॉर्म में होता है। तो हमें यह समझना है कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन का वेस्ट बनता है वो क्या बनता है? अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया तीन फॉर्म में एक्सक्रीट हो सकता है। पहला अमोनिया की फॉर्म में, NH4+ की फॉर्म में, दूसरा यूरिया की फॉर्म में, तीसरा यूरिक एसिड की फॉर्म में। समझ आई बेटा? बताओ। बोलो। यस सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो तीन फॉर्म में एक्सक्रीट हो सकता है। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। ये तीन फॉर्म है हमारे पास। तो जो अमोनिया है बेटा, ध्यान से सुनना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों में फर्क है। देखो समझना, अमोनिया टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक। तो इसको बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। कांट keep in body for longer duration। मैं concept बता रहा हूं जो हम आगे use करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब इसको continuously excrete करना पड़ता है। तो इसका मतलब continuously excrete करने का मतलब ये हुआ बेटा, लगातार इसको excrete करना पड़ता है। तो लगातार excrete करने के लिए, ध्यान से सुनो इस बात को, लगातार इसको excrete करना पड़ता है। किसको? अमोनिया को। तो इसका इसका मतलब ये होगा कि उस पर्सन को लगातार यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और लगातार यूरिन प्रोड्यूस में बहुत पानी लॉस होगा। तो इसका मतलब अमोनिया रख ही नहीं सकते, बनेगा, रिलीज करते रहो। तो इसका मतलब जो बहुत सारी फिश होती हैं, बहुत सारी फिश होती हैं, वो क्या एक्सक्रीट करती है? अमोनिया। लेकिन यूरिया
लैंड एनिमल करते हैं और ये लेस टॉक्सिक होता है, इसको स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में कुछ देर तक रुक सकता है। यूरिक एसिड लीस टॉक्सिक होता है और उसमें बेटा लीस्ट पानी का लीस्ट लॉस ऑफ वाटर होता है। और ये कहां होता है यूरिक एसिड, जो बर्ड वगैरह बीट करते हैं ना उसमें यूरिक एसिड होता है, तो वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है यूरिक एसिड, वो कर सकते हैं। तो मुझे मुझे एक बात आपको समझानी है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट इज अमोनिया, वेस्ट इज अमोनिया, क्लियर है बेटा? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट क्या है, वेस्ट क्या है बेटा? अमोनिया। वेस्ट क्या है? अमोनिया। ठीक, वेस्ट क्या है? अमोनिया। ये चीज समझ आ रही है? दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट इज अमोनिया। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड हमारे पास क्या है कि इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट है हमारे पास वो अमोनिया है। वो क्या है? अमोनिया है। और उस अमोनिया को रिलीज करने के तीन तरीके हैं, अमोनिया खुद, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अमोनिया रिलीज करने के लिए लगातार यूरिन रिलीज करना पड़ेगा, ऐसा सिर्फ फिश कर सकती हैं कुछ। यूरिया कम टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड क्या होगा? लीस्ट टॉक्सिक होगा। क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अब मुझे एक चीज बताना, जैसे ये वाले फिश जो है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मुझे बताना, ये बाहर ये बीकर है, इसमें फ्रेश वाटर है, सोच के बताना, ये मैरीन है, इन दोनों में मैंने फिश रख दी। मैरीन का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट। मुझे जरा सोच के बताओ कि कौन सी फिश जो है, कौन सी फिश अपने सरफेस से पानी लॉस कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, मैरीन और फ्रेश वाटर। सोचो, बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ, देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैरीन का मतलब हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब सॉल्ट ज्यादा है, उसके हिसाब से इसके अंदर हाइपोटोनिक है। तो अगर ये पानी लॉस कर रही है ऐसे, ये इस तरीके से क्या लॉस कर रहा है? पानी लॉस कर रहा है। कहां से लॉस करेगा? सरफेस से। अब फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं है, पर कोई जिंदा चीज के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट तो होगा, फिर ये हाइपरटोनिक है। तो इस फिश में तो वैसे भी पानी घुस रहा है, तो कौन सी फिश चाहेगी अमोनिया रिलीज करना और कौन सी फिश चाहेगी यूरिया रिलीज करना, बताओ? ए और बी। क्वेश्चन समझ आया किसी को? लक्षिता, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनिए। मैंने भी क्या समझाया, जब से इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि सारे ऑर्गेनिज्म में वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में बनता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, पानी में ये NH4+ की फॉर्म में होता है। अमोनिया को तीन तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अमोनियम, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया में बहुत ज्यादा पानी लॉस करना पड़ेगा, यूरिया में कम और यूरिक एसिड में सबसे कम। मेरा सवाल ये है कि एक फिश जो मैरीन कंडीशन में है और एक फिश जो फ्रेश वाटर में है, अमोनिया कौन रिलीज करेगी, मैरीन वाली की फ्रेश वाटर वाली? क्योंकि मैरीन वाले के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो ऑलरेडी पानी का नुकसान झेल रहा है, तो अमोनिया रिलीज करना चाहेगा कि यूरिया रिलीज करना चाहेगा? यूरिया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। जो फिश ऑलरेडी पानी का नुकसान झेल रही है वो चाहेगी ना कि वो यूरिया रिलीज करे। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए, मैरीन फिश should be कौन सा टैलिक? यूरिया रिलीज करने वाला, उसे यूरियोटैलिक कहते हैं, ठीक है? एंड फ्रेश वाटर में पानी पहले ही घुस रहा है उसमें, तो बाहर निकल जाएगा तो अच्छा है, अमोनोटैलिक। बताओ,
तो मैंने आपको बताया साइक्लोस्टोम कौन से होते हैं, साइक्लोस्टोम कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। क्लियर? ठीक है। ठीक है बेटा, बताओ। साइक्लोस्टोम यस सर। यूरियोटैलिक होंगे क्योंकि मेरीन है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो मैं एक चीज समझाता हूं, साइक्लोस्टोम मैरीन है पर माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग क्या होता है, समझना ध्यान से। देखो एक चीज समझाता हूं, तुमको ये सब पता है बेटा, मतलब ये पता है सबको कि जो रिवर वगैरह होती है वो फाइनली ओशन में गिरती है, ये पता है कि नहीं? बोलो यस बेटा, पता है कि नहीं? पता है नहीं बात? तो देखो पता ये रिवर है, ये रिवर बहते हुए फाइनली ओशियन में चली गई, ओशियन में चली गई। तो ये ओशियन है, तो ये जो फिश है ये ओशियन में रहती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइक्लोस्टोम की। लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है ये फ्रेश वाटर में मूव करती है और रिप्रोडक्शन करके वहां एग ले करके मर जाती है और फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो वापसी आ जाते हैं ओशियन में और वहीं रहते हैं। समझ आया? यस बोलो बेटा, समझ आया? नहीं आया? आ गया आदित्य? आया बेटा समझ? यस सर। इसे कहते हैं स्पॉनिंग, 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 SPAWING। तो देखो ये क्या है, देखो कैसे कह रहे हैं, साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन, साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वॉटर। फ्रेश वॉटर में माइग्रेट करेगा किसको लेके? स्पॉनिंग को लेके। स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करेगा, तो माइग्रेट करेगा फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करने के लिए। क्लियर? स्पॉनिंग करने के लिए माइग्रेट करेगा। क्लियर? माइग्रेट करेगा स्पॉनिंग करने के लिए। क्लियर है बेटा? बताओ। यस सर। तो आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए बेटा, वो माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करेगा स्पॉनिंग करने के लिए। क्लियर? माइग्रेट करेगा स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में। अब इस चीज को समझो, ध्यान से देखना, साइक्लोस्टोम आर मैरी, ठीक? क्लियर? बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ये कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, दूसरा देखो बेटा, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज ये मर जाती है। समझ आया? मतलब रिप्रोडक्शन करके एग लेके। देखो मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम, देखो डायग्राम देखना बेटा ध्यान से। ये रील, ये रील, ये रील आपके पास, ये साइक्लोस्टोम, ये कहां पे आ गई? ये आ गई फ्रेश वाटर में। ये रिप्रोडक्शन ये दिखा रहे हैं, दो फिश है, रिप्रोडक्शन है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एग ले किया, उस एग में से ये लार्वा बना, देखो ऐसा कुछ, उसके बाद एडल्ट बना और वो एडल्ट वापसी किस में आ गया, ओशन में। समझ आ रहा है ये? यस सर। बोलो समझ आया बेटा? क्लियर है? और जो यस देखो देर लार्वा, लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। आई समझ नहीं आई? बताओ। यस सर। हाँ क्या सर। आ गया ना बेटा? तो उनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद वापसी आ जाता है किसमें, किसमें वापसी आ जाता है? ओशन। ओशियन में। क्लियर? ओशियन में, ठीक है? बोलो बेटा, है ना? अब ये देखो, पेट्रोमाइजोन, माइक्सीन, ये क्लियर है? ये दो नाम है बेटा किसके, साइक्लोस्टोम के। साइक्लोस्टोम के दो एग्जाम्पल है,
एक पेट्रोमाइजोन है, एक माइक्सिन है। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं और माइक्सिन को कहते हैं हैगफिश। क्लियर? आगे समझ, जल्दी बताओ। यस। अब ये हमने क्या पढ़ाया, देखो मैंने क्या बताया आपको, एक बार मैं फिर से आ रहा हूं उसी पे, देखो मैंने क्या बताया। वी डिवाइडेड वर्टिब्रेट्स इंटू टू कैटेगरी, वन विच नॉट हैव एनी जॉ, दे आर नोन एज अग्नाथा। उसमें खास तरह की फिश आती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लो स्टोम्स, ये फिश है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर आ गए हमारे पास जिनके पास क्या होगी, जॉ होगी। जॉ वाले को क्या लिखोगे, जी नेथो, याद करो जी नेथो स्टोमेटा। क्लियर, जी नेथो स्टोमेटा। यहां तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा, जी नेथो स्टोमेटा हमारे पास है, जी नेथो स्टोमेटा हमारे पास है। उसमें जो है हमारे पास जी नेथो स्टोमेटा हमारे पास है, क्लियर, जी नेथो स्टोमेटा हमारे पास है, ठीक है। उसमें हमारे पास दो ग्रुप है, एक है फिशेस, ऑल्दो ये भी फिश है लेकिन अलग से ग्रुप है फिशेस, पाइसिस कहते हैं। पाइसिस में दो तरह की फिश आती है, एक आती है ऐसी फिश जिसके अंदर कार्टिलेज होता है, उसे कहते हैं कार्टिलेजनस फिश, और दूसरी आती है बोनी फिश जिनके अंदर बोन्स होती हैं। समझ आया बेटा? यस। समझ पा रहे हो, कार्टिलेजनस फिश। कार्टिलेजनस के लिए वर्ड लिखते हैं कॉन्ड्री, कॉन्ड्री। फिर ये वर्ड कॉमन है दोनों में, सी एच वाई टी एच ई एस, साइथ्स। बोनी फिश को लिखते हैं ओस्टियो, ओस्टी, फिर लिखते हैं साइथ्स। क्लियर? बताओ बताओ बेटा। यस सर। ठीक, तो पाइसिस, पाइसिस हमारे पास क्या हो गई, फिशेस। पाइसिस हमारे पास क्या हो गई, फिशेस। फिर पाइसिस हमारे पास क्या हो गई, फिशेस। तो ये हमने समझा दिया पाइसिस को, ठीक है। पाइसिस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा, पाइसिस के बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, ध्यान से सुने बेटा, नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास पाइसिस के बाद, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या है हमारे पास, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से देखें, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे टेट्रापोडा। जैसे तुम अगर देखो, ध्यान से सुनना बेटा, देखो अगर आप ह्यूमन को देखो तो ह्यूमन तो हम ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से ह्यूमन बना रहे हैं, मान लो ऐसे हाथ पैर बना रहे हैं, लेकिन अगर आप रियल में देखो किसी भी ह्यूमन को, मेन ट्रंक ये है, मेन बॉडी ये है सिर्फ, ये तो हाथ पैर इसके एक तरीके से अलग है, बॉडी मतलब मेन बॉडी यहां से लेके यहां तक है बेटा, ये तो एक तरीके से लिम्स है जो लेटरल है, लेटरल मतलब साइड की चीज है, समझ लो इस बात को बेटा, ये एक तरीके से कैसी चीज है, ये साइड की चीज है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टेट्रापोडा का मतलब होता है दो हाथ दो पैर वाले, जिनमें टेट्रापोडा मतलब चार लिम्स होंगे। इनके अंदर कौन आ जाते हैं, एक आते हैं एम्फीबियंस, फिर कौन आ जाएंगे, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। आया समझ? यस। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? हाँ, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का है बेटा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि हमने यहां पर लिख दिया पेट्रोमायोजोन और हमने यहां पर लिख दिया माइक्सिन, ठीक, माइक्सिन लिख दिया, पेट्रोमायोजोन और माइक्सिन दो हो गए हमारे पास, ठीक है, पेट्रोमायोजोन और माइक्सिन हमारे पास दो हो गए, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, पेट्रोमायोजोन और माइक्सिन दो हो गए, ठीक है, क्लियर।
इस चीज को समझना। अब इसके बाद हमने वर्टिब्रेटा पढ़ा, अग्नाथा और जीनेथोस्टोमेटा। अग्नाथा क्या है बेटा? जिसमें जॉ नहीं थी, जीनेथो में जॉ थी। जॉ वाले में पहले फिश पढ़ेंगे, फिर टेट्रापोडा। अब आप ध्यान से देख लो, फिशेज के लिए मैं जा रहा हूं पढ़ने, कौन सा पढ़ेंगे हम फिशेज में? अब पहले कार्टिलेजनस फिश और दूसरा फिर बोने फिश। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा। यस सर। तो पहले एक बार कार्टिलेजनस फिश पढ़ते हैं, फिर बोनी फिश पढ़ते हैं बेटा। एक सेकंड दे दो मुझे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहली फिश हमने पाइसिस वर्ड पढ़ा था। पाइसिस का मतलब क्या था बेटा? फिश। फिश दो तरह की है, कौन कौन सी? पहली दूसरी बोनी। ठीक, अब ध्यान से देख रहे हो बेटा, ये वाली फिश क्या है? मैरीन है। मैरीन कौन सा टेलिक होगा? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक? यूरियोटेलिक है बेटा, यूरियोटेलिक। समझ आ रहा है? मैरीन है ना, इसमें से तो पानी पहले ही निकल जाएगा, उनको तो पानी बचाना पड़ेगा ना, यूरियो होगा। अब देखो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? ऐसा पतली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, कार्टिलेजनस फिश में दो तरह की फिश आती हैं। एक आती है ये, जिन्हें आप शार्क कहते हो, शार्क। दूसरी आती है ऐसे वाली, ये आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, ऐसे वाली फिश। देखिए बेटा ये वाली, yes, sir. तो इन्हें तो कहते हैं शार्क और इन्हें कहते हैं रे। तो कार्टिलेजनस फिश में कौन सी दो मेन फिश आती है? दो ग्रुप आते हैं, एक आता है शार्क और एक आता है रे। आए समझ बेटा? यस सर। शार्क और रे आते हैं, ये बहुत प्रीडेटर टाइप के होते हैं बेटा। प्रीडेटर मतलब दूसरे को खाने वाले, ठीक है इनका। अच्छा मुझे एक चीज बता, देखना कोई फिश है, फिश के ऊपर ऐसे, फिश के ऊपर ऐसे जो बॉक्स जैसे बने होते हैं, इन्हें स्केल्स कहते हैं। स्केल्स बाहर है तो उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन, और अंदर जो बोन्स वगैरह होती है या कार्टिलेज जो भी हो उसे क्या बोलते हैं? आ रही समझ? बोलो बेटा। यस सर। जो अंदर होगा उसे क्या बोलोगे आप? एंडोस्केलेटन। और उसे हम क्या बोलेंगे? एक मिनट देना बेटा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। स्केल्स हमारे पास क्या है, ये चीज समझो ध्यान से। देखो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, ठीक है ये स्केल्स हो गए आपके पास, ठीक। ये क्या हो गए हमारे पास? स्केल्स हो गए, इन्हें स्केल्स कह रहे हैं। और ये हमारे पास क्या हो गए? एंडोस्केलेटन हो गया ना, ये हमारे पास क्या हो गए? एंडोस्केलेटन हो गया, ठीक है क्लियर। ये चीज समझो, तो एंडो और एक्सो है ना, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन,
ठीक क्लियर। तो एक्सो और एंडो दो तरह के स्केलेटन होते हैं। इनमें एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ बेटा, कार्टिलेज का, समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अब हम जरा इनके डाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, ध्यान सुनो। सबसे पहले आ जाओ डाइजेशन के बारे में, हम एक एक चीज लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले डाइजेशन के बारे में मेरी बात ध्यान से देखना, मैं जो आपको समझाऊंगा। देखो मैं ऐसे एक फिश बना रहा हूं, फिश का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा, आ रहा समझ, बोलो। यस सर। अच्छा अब मैंने ये फिश बना दी, ध्यान से देखना। एक तो ये पॉसिबल है कि फिश में फिश का माउथ यहां हो, जैसा आप अपने उसमें बनाते थे बचपन में। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो फिश का माउथ हो वो कुछ ऐसा हो, नीचे की तरफ। ये चीज समझ आई बेटा, फर्क समझ में आ रहा है इसमें वन और टू में? Yes, sir. इस वाले माउथ को कौन सा माउथ बोलता हूं, वेंट्रल माउथ, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ माउथ, समझ आया बेटा? वेंट्रल माउथ का मतलब होता है यहां हो ऐसे, क्लियर। देखो अगर आप अगर शार्क वगैरह कभी देखोगे, शार्क वगैरह का माउथ देखोगे तो शार्क वगैरह का माउथ यहां नहीं होता, यहां होता है, समझ आया बेटा? Yes, sir. बोलो। अब देखो ना ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये शार्क की तो दिख रही है, शार्क का माउथ नीचे है ना, ऐसे माउथ को क्या बोलोगे, वेंट्रल माउथ। देख लो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, इनके पास टीथ जो होते हैं ना, टीथ में ये जो टीथ बने हुए हैं, देखना इस चीज को, ये टीथ जहां पर लगे हुए है ना, ये प्रॉपर टीथ नहीं है, ये स्केल्स हैं, मतलब जो उसके स्किन पर स्केल्स होते हैं ना, वही स्केल मॉडिफाई हो गए यहां पर। स्केल्स मतलब एक खास तरह के स्केल्स होते हैं बेटा, ऐसे इस तरीके से ये स्केल्स हैं, इन स्केल्स को हम कह रहे हैं प्लेकोइड स्केल, क्लियर। इन स्केल्स को हम क्या कह रहे हैं बेटा, प्लेकोइड स्केल कह रहे हैं। प्लेकोइड स्केल का क्या मतलब है सोच लो, प्लेकोइड स्केल का मतलब ये हुआ, ये देख लो आप, ये देखो स्केल का मतलब ये इस तरीके की कोई चीज, ऐसे इस तरीके का। तो आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इसमें जो स्केल्स हैं हमारे पास वो स्केल्स इस तरीके के बेंड है, इसे हम कह रहे हैं प्लेकोइड स्केल। मतलब इसके जो टीथ होते हैं ना वो ऐसे मुड़े हुए प्लेकोइड स्केल होते हैं, इस तरीके के मुड़े हुए क्या होते हैं बेटा, प्लेकोइड स्केल, क्या होते हैं, प्लेकोइड स्केल होते हैं, समझ आया बेटा? बताओ क्लियर है? यस सर। हाँ तो प्लेकोइड स्केल होते हैं बेटा, ये रहे यहां पे, क्लियर, ये चीज समझ आ गई, बोलो। यस सर। हाँ अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सुनना ध्यान से, नेक्स्ट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर, नेक्स्ट सुनना ध्यान से। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, देखो ये प्लेकोइड स्केल हो गए, ये देखो आपको अब दिख रही है, एक शार्क दिख रही है, देखो इसका माउथ नीचे की तरफ है बेटा, दिख रहा है? यस सर। हाँ दूसरा, दूसरी चीज सुनना मेरी बात, इसके जो टीथ हैं वो स्केल्स के बने हुए ऐसे पीछे की तरफ मुड़े हुए, इसलिए अगर टीथ में कुछ फंस जाएगा तो वापसी नहीं निकल सकता आसानी से, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मुड़े हुए, ये देखो ये होते हैं स्केल्स, इन्हें स्केल्स कहते हैं, डायग्राम देखो, इन्हें स्केल्स कहते हैं, ये स्केल्स इस तरीके से टीथ बनाते हैं,
ध्यान से देखना, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्केल्स इस तरीके से होते हैं। इस स्केल के ऊपर एक हार्ड लेयर आती है जिसे इनेमल कहते हैं, जो हमारे दांत में भी है। सही है, समझ आ गया बेटा? यस सर। तो आपने क्या क्या याद करना है भाई, मुझे बताओ जरा ध्यान से। आपको ये याद करना है बेटा, आपको क्या याद करना है? आपको ये याद करना है, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि जो मेरे पास, ध्यान सुने बेटा, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि हमारे पास जो ये प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं, क्या नाम है, जो हमारे पास ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये मतलब टीथ, उनकी जगह स्केल्स होते हैं और माउथ वेंट्रल होता है। अब आ जाओ जरा रेस्पिरेशन को लेके। रेस्पिरेशन में गिल्स हैं इसमें। पिछले वाले में कितने गिल्स थे बेटा? 6 to 15 pairs. यहाँ 5 to 7 pair है। समझ आया बेटा? कितने हैं? 5 to 7 पेयर का मतलब 1 और 2, ये एक पेयर हो गया। 3, 4 एक मतलब इस साइड और इस साइड मिला के पेयर बोलते हैं फिर उसे, है ना? तो देखो ये साइक्लोस्टोम दे रखा है, ये दे रखे कार्टिलेजनस फिश। क्लियर? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। देखो जब हम कोई फिश बनाते हैं ना, ऐसे हम कोई फिश बना रहे हैं, ऐसे फिश बना रहे हैं, उसमें एक गिल्स है। तो जो बोनी फिश होती है ना, उसके गिल्स के बाहर एक कवर बनता है, ऐसा कवर बनता है, उस कवर के अंदर जाता है, मतलब कवर में से पानी ऐसे बाहर आता है। इस कवर का नाम होता है ऑपरकुलम। किसी ने बेटा देखा है मछली के कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनका ये वाला हिस्सा हिलता रहता है, देखा है किसी ने? यस सर। देखा है कि नहीं बेटा? यहां पर कुछ पार्ट होता है जो हिलता रहता है। वो हिलता कैसे? वो होता क्या है कि गिल्स के ऊपर एक कवर होता है। हम जब फिश बनाते हैं, मान लो मैंने बोनी फिश बनाई, तो बोनी फिश में भी ऐसे गिल्स हैं, इन गिल्स के ऊपर ऐसे कवर होता है। तो जब पानी माउथ से आएगा और यहां से बाहर निकलेगा, तो उस कवर को हिलाएगा कि नहीं? आई समझ? नहीं आई? यस सर। उस गिल कवर का नाम है ऑपरकुलम। क्या नाम है उसका? ऑपरकुलम। इनमें ऑपरकुलम नहीं होता। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। किसी को ना समझ आ रहा हो पूछो। देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, इस चीज को समझे। देखो बेटा, देखो ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास वो बने हुए हैं, मतलब इस तरीके से ये साइक्लोस्टोम है, ये कार्टिलेजनस फिश है। तो इसके गिल के बाहर कोई कवर नहीं है, लेकिन ये कवर दिख रहा है आपको, ये बोनी फिश है ये, बताओ बेटा? यस सर। तो बोनी फिश में कवर दिख रहा है ना? यस सर। दूसरा बच्चे, हमारे पास फिश में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एयर ब्लैडर कहते हैं। अच्छा आपने कभी बेटा मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि कोई पर्सन अगर पानी में ऐसे डूब रहा होता है और वहां शार्क आ जाती है, तो शार्क ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, दिखाते हैं कि नहीं? देखा है? नहीं देखा बेटा ऐसा कुछ? यस सर। तो शार्क नॉर्मली गोल गोल क्यों घूमती रहती है? अगर शार्क ऐसे लगातार चले नहीं, तो वो ऐसे चलते चलते वो सर्कल कम करेगी, वो अगर ऐसे ना चले तो वो सिंक कर जाएगी। सिंक समझ में आता है? वो डूब जाएगी, डूबने का मतलब नीचे हो जाएगी उस लेवल से। तो इसका मतलब उनको लगातार स्विम करना पड़ता है सिंकिंग अवॉइड करने के लिए, सेम लेवल मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन जो तुम्हारे पास वो वाली फिश होती है, जो एक्वेरियम में होती है, घर में जो एक्वेरियम वाला होता है, तुम देखते हो उसमें फिश काफी देर तक एक जगह रुकी रहती है। यस सर। वो वाली फिश होती है बोनी फिश। कौन सी फिश होती है? बोनी फिश। समझ आया बेटा? यस सर। तो जो बोनी फिश होती है, वो बोनी फिश क्या करती है? बोनी फिश क्या करती है बेटा?
बोनी फिश, ध्यान से सुनो, बोनी फिश जो होती है हमारे पास, बोनी फिश वो फिश होती है बेटा हमारे पास, बोनी फिश वो फिश होती है हमारे पास जो जो क्या करती है, ध्यान से सुनना, बोनी फिश वो फिश होती है हमारे पास, बोनी फिश वो फिश होती है जिसमें स्विम ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर कहते हैं उसे, उसकी वजह से वो डूबती नहीं है, एक लेवल पे मेंटेन रहती है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में ये नहीं होता, इसीलिए उनको लगातार स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग। आ गई बात समझ? नहीं आई? आ गई सर। क्लियर? लक्षिता आई बेटा? यस सर। क्लियर? मैंने क्या क्या बताया? मैंने कहा बेटा ऑपरकुलम नहीं होता इनमें, ना स्विम ब्लैडर नहीं होता। ऑपरकुलम क्या होता है? व्हाट इज ऑपरकुलम? गिल कवर। क्लियर? गिल कवर बोलते हैं ऑपरकुलम। तो गिल कवर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरकुलम बोलते हैं। क्लियर? गिल कवर को हम क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम बोलते हैं बेटा, ऑपरकुलम बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? यहां तक समझ आ गया बेटा? यस सर। तो नेक्स्ट ये चीज समझ आ गई। दूसरा सर्कुलेशन की बात करेंगे बेटा। सर्कुलेशन क्या है? ध्यान से देखो, हार्ट कितने चैंबर है? कितने चैंबर हार्ट है? टू चैंबर। एक ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है। समझ आया बेटा? ये तो समझ आया ना, हमने भी पीछे भी पढ़ा। और ये कोल ब्लडेड होते हैं। व्हाट इज कोल ब्लडेड? व्हाट इज कोल ब्लडेड? क्या मतलब होता है कोल ब्लडेड का? कौन बता रहा है? सोनल, व्हाट इज कोल ब्लडेड? बेटा तुम्हें किसी ने क्वेश्चन भेजा था मुझे, हैं सोनल, तूने भी भेजा था बेटा, कोई क्वेश्चन भेजा था मुझे, याद आ रहा है। क्या क्वेश्चन था बताओ? हाँ भाई, व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड बताओ, पहले कोल्ड ब्लडेड बताओ। कौन बताएगा? उत्सव बता बेटा। उत्सव, उत्सव आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी, फिर से समझाऊंगा। कोल्ड ब्लडेड का मतलब यह है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर बदल लेते हैं बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रखते हैं एज कंपेयर टू बाहर का टेम्परेचर बदलने दो, अंदर 37 है तो 37 रहेगा। फायदा, उनके एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं वार्म ब्लडेड के। नुकसान, उनको एनर्जी की कॉस्ट पड़ती है। कोल्ड ब्लडेड का फायदा, उनकी एनर्जी सेव होती है। नुकसान, उनके रिएक्शन कम काम करेंगे। तो इसका मतलब ज्यादा ऑर्गेनिज्म तो बेटा कोल्ड ब्लडेड ही हैं अर्थ पे। ज्यादा ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, वार्म ब्लडेड कम है। क्लियर? तो वार्म ब्लडेड वही होंगे जो कॉस्ट अफोर्ड कर सके। बोलो। यस आया समझ? आ गया बेटा समझ? यस सर। देखो, एक 12th के एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, उसमें बोला उसने, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन अफोर्ड दैट कॉस्ट बिकम वार्म ब्लडेड, रेस्ट रिमेन एज कोल्ड ब्लडेड, है ना। मान लो तुम्हें क्लास जरूरी है इसलिए तो तुम इसे चला के क्लास कर रहे हो, नहीं तो तुम क्लास नहीं करते, एनर्जी बच जाती। आई समझ नहीं आई? यस सर। हाँ, अब अगर आपको ये बातें समझ आ गई मेरी, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड वाली, अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं बेटा, तो नेक्स्ट ये है हमारे पास। हमने क्या बता दिया? हमने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमने सर्कुलेशन पढ़ लिया। फोर्थ हो गया स्केलेटल। स्केलेटल मतलब सपोर्ट। पहला तो इनके अंदर कार्टिलेज होता है। पहला तो इनके अंदर क्या होता है? कार्टिलेज होता है।
दूसरा इनकी नोटोकोड परसिस्टेंट होती है, परसिस्टेंट नोटोकोड होती है, मतलब नोटोकोड क्या रहती है, परसिस्ट रहती है। समझ आ रहा है बेटा, बोलो। यस सर। क्लियर। तो नोटो कोड क्या रहती है, परसिस्ट रहती है, उसे हमने क्या बोल दिया, सर्कुलेशन, उसे हमने क्या बोल दिया, सर्कुलेशन। क्लियर, बोलो। यस सर। ठीक है, क्लियर। स्केलेटल, स्केलेटल, स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे पास, स्केलेटल सिस्टम क्या है बेटा हमारे पास, समझ लो हमने बोल दिया नोटोकोड, देखो इनमें कार्टिलेज के अलावा नोटोकोड भी रह जाती है। दूसरा समझो ध्यान से, इनके जो स्किन होती है, मैंने कहा था किसमें स्केल्स मना किए थे, साइक्लोस्टोम पे मना किए थे, इनकी स्किन पर प्लेकोइड स्केल होते हैं जिसके टीथ बने हुए इनके, वही स्केल, देखो फर्क है, जो टीथ बने हुए हैं उन टीथ पर एक्स्ट्रा एक कवरिंग भी है इसलिए वो टीथ जितने हार्ड है, इनके स्किन पर एक स्केल होते हैं जो प्लेकोइड होते हैं जिनसे इनके टीथ बने हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ध्यान सुनो, क्योंकि ये बहुत सारे प्रीडेटर हैं, बहुत सारे क्या है, प्रीडेटर हैं, तो इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं या दूसरे को किल करने के लिए। जैसे एक फिश होती है कार्टिलेजिनस फिश में जिसे टॉरपीडो कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट बनाती है बेटा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। एक होती है जिसका नाम ट्राइगन होता है, ट्राइगन क्या करती है बेटा, पॉइजन बनाती है। क्लियर। और ये दोनों रे है, रे समझ में आता है, रे थोड़ी सी फ्लैट फिश होती है ऐसी, ये समझ आया था बेटा। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब तुम्हारे पास रिप्रोडक्शन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इनमें सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल क्या है, डिफरेंट है। सेक्सेस आर सेपरेट का क्या मतलब है बेटा, मोनोशियस, हाँ डायोशियस, डायोशियस मेल एंड फीमेल डिफरेंट है बेटा, वो मोनोशियस गलत फील होता है हमें, मोनोशियस ऐसा लगता है कि मोनो का मतलब अलग अलग, पर मोनोशियस का मतलब होता है एक ही के अंदर दोनों सेक्स, समझ आया बेटा, मोनो मतलब yes, sir. हाँ डायोशियस मतलब अलग अलग। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनो बच्चे, तुम मुझे बताओ जो हाथ जिस जगह लगा हुआ है वहां पर एक गर्डल है, गर्डल समझ में आता है, कंधा जिसमें लगा हुआ है उसे कौन सा गर्डल कहते हैं, नाम पता है किसी को? मैं कह रहा हूं ह्यूमन का जो पैर है या हाथ, हाथ एक जगह लगा फिट होता है ना, उसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, आ रही बात समझ बेटा? यस सर। और जहां पैर लगा हुआ उसे कहते हैं पेल्विक गर्डल, क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। अब मेरी बात देखो इधर सारे, मान लो मैंने ये शार्क बना दिया, ऐसे शार्क में ये वाले जो फिन्स हैं इनको मैं नाम दूंगा पेल्विक फिन, समझ आया क्यों, और इनको मैं क्या नाम दूंगा, पेक्टोरल फिन्स, आ रहा है समझ नहीं आ रहा, उल्टा ले दिया ना मैंने, उल्टा लिख दिया बेटा, हाँ उल्टा लिख दिया, एक्चुअल में उल्टा लिख दिया, नीचे वाले क्या लिखूंगा मैं, पेल्विक, पेल्विक फिन्स, ऊपर वाले क्या लिखूंगा मैं, पेक्टोरल, ठीक है पेक्टोरल फिन्स, ठीक, क्लियर, ये चीज समझ आ गई बेटा, बोलो। यस सर। तो पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स लिख दिए मैंने, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, होता क्या है बच्चे, जैसे इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये, जैसे ये पेल्विक फिन्स पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से जो मेल है वो स्पर्म ट्रांसफर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव उसमें, ठीक है, क्लियर। सुनो रुक जाओ एक मिनट, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से मेल फीमेल को होल्ड करता है ताकि स्पर्म ट्रांसफर हो सके, उसे हम कहते हैं क्लास्पर ऑर्गन। तो एनसीईआरटी लिखती है कि मेल में एक ऑर्गन होता है कौन से फिन्स पे, पेल्विक फिन्स पे,
उसे कहते हैं क्लास, क्लास्पर का मतलब होता है पकड़ना, क्लास्पर ऑर्गन, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन क्या हो जाती है, इंटरनल। इंटरनल समझ में आया, इंटरनल का मतलब होता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव में डायरेक्ट ट्रैक्ट में डायरेक्टली स्पर्म ट्रांसफर करता है। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, हम जो अगली फिश पढ़ेंगे बोनी फिश, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए मेल में क्लास्पर ऑर्गन होता है, क्लास्पर ऑर्गन होता है टू होल्ड फीमेल, ताकि स्पर्म ट्रांसफर हो सके। क्लियर? तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा, हम यहां पर लिख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसा है, इंटरनल, और हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लास्पर ऑर्गन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लास्पर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। समझ आ गई? यस सर। बोलो। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है। काफी सारे क्या है बेटा, विविपेरस है, काफी सारे क्या है हमारे पास, विविपेरस। देखो मैंने क्या क्या बताया इसके बारे में, ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में हमने लिखा मेल एंड फीमेल सेपरेट है, मेल और फीमेल क्या है बेटा, सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है। क्लियर? मेल फीमेल सेपरेट है हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में हमने कहा मेल और फीमेल सेपरेट है। नेक्स्ट हमने क्या बोला बेटा, नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने नेक्स्ट ये बोला, फर्स्ट, फर्स्ट कहा मेल और फीमेल सेपरेट है। फिर हमने कहा मेल के कौन से फिन पे, पैल्विक फिन्स पे, एक ऑर्गन है जो फीमेल को होल्ड करने के लिए होता है, क्लास्पर ऑर्गन, फिर उसकी मदद से गैमेट ट्रांसफर होता है। इस वजह से फर्टिलाइजेशन क्या हो गई, इंटरनल। अच्छा, इंटरनल हो गई, और ये डायरेक्टली बच्चे ले करते हैं, यंग वन ले करते हैं, इसलिए कौन से वाले हो गए, ये विविपेरस। विविपेरस आ गई समझ? नहीं आई बताओ। आ गई सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। बेटा देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कार्टिलेजिनस फिश के ये पॉइंट्स याद करेंगे जिनको आपको कंपेयर करना है बोनी फिश से, जैसे कि मैंने इन्हें मैरीन लिखा है, तो बोनी फिश में क्या लोगों का भी कंपेयर कर देंगे फिर, पर ये पॉइंट्स अगले अगले उसमें लेकर जा रहे हैं हम अगली स्लाइड में। मैरीन होते हैं, दूसरा इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। इसका माउथ कैसे बताया था, वेंट्रल माउथ। वेंट्रल माउथ। टीथ किसके बने हैं, स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स, ठीक बेटा। गिल्स कितने थे इसके, 5 to 7 पेयर, 5 to 7 पेयर। इसके पिछले वाले के कितने थे, 6 से 15। यस सर। हाँ, आगे आओ, आगे आगे, इसमें इसमें क्या नहीं होता बेटा, याद है? यस सर। हाँ, सर्कुलेशन क्लोज, कितने चैम्बर, 2, 2 चैम्बर, और कौन सा थर्मिक, पोइकिलो। पोइकिलो थर्मिक का मतलब कौन सा, ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। कोई डाउट? नो सर। नहीं, ठीक है, क्लियर। मैरीन, कार्टिलेज, माउथ, वेंट्रल, टीथ, प्लेकोइड स्केल्स, गिल्स, कितने पेयर हैं, 5 to 7, स्विम ब्लैडर, ऑपरकुलम, सर्कुलेशन क्लोज, 2 चैम्बर है, पोइकिलोथर्मिक। कोई डाउट? उसमें जाओ जरा आगे। फिर हमने इसके स्केलेटल में क्या बोला बेटा, कार्टिलेज था। फिर रिप्रोडक्शन में क्या बोला बेटा, इंटरनल और विविपेरस।
इतनी चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, इतना याद कर सकते हो? यस सर। इतना याद कर सकते हो? याद करो जल्दी से जरा। आदित्य याद हो सकता है बेटा इतना? यस सर। जल्दी से याद कर दो, 2 मिनट लेके जल्दी करो, याद करो जल्दी से बेटा। हुआ याद किसी को? यस सर। अब मैं कंपेयर करूंगा बोनी फिश पढ़ते हुए इन ही चीजों को, ध्यान से देखना। अब मैं बोनी फिश पढ़ते हुए इसे कंपेयर करूंगा। देखो, हमने कार्टिलेजिनस फिश को क्या नाम दिया था, क्या लिखा था? कॉन्ड्री। कॉन्ड्री वर्ड होता है कार्टिलेज के लिए, फिर सी एच टी एच वाई साइट्स दिख रहा है। तो बोन्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करें? ऑस्टी। ये दिख रहा है ऑस्टी? क्लियर बताओ? यस है ना? हाँ, तो हमारे पास इसमें मैरीन भी आ जाएंगी और कैसी फिश आ जाएंगी? फ्रेश वाटर फिश। साथ में इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोन्स, बोनी। कैसा होगा? बोनी। क्लियर है? बताओ। यस सर। हाँ, तो इट इंक्लूड, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, इसमें मैरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। मैरीन वाली कौन सी होती है बेटा? यूरियो। और फ्रेश वाटर कौन सी होगी? अमोनो, है ना? आई समझ नहीं आई बेटा? बताओ बच्चे। मैं ये पता है क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, आपको दिखाता हूं एक चीज। ये कौन सा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में? है ये? Yes, sir. कौन सा चैप्टर है ये बेटा? ये है 19। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं? Yes, sir. अमोनोटेलिक। बोनी फिश कौन से वाली बेटा? क्लियर? अब देखो यूरियोटेलिक में कौन है? लिखा है मैरीन फिश? यस सर। नहीं आ रही समझ मेरी बात? आ गई बेटा? यस सर। यही पढ़ा रहा हूं ना आपको मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए इस चीज पे फोकस कर रहा हूं बार बार, ताकि आप वो सही चीज अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि क्वेश्चन आप गलत नहीं करो। मैं यही तो आपको बता रहा हूं जब से, आगे समझ बेटा। और इसका एंडोस्केलेटन क्या बना हुआ है? एंडो मतलब इनर बोन्स का। इसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। देखो ये बोनी फिश का एक डायग्राम देखो, ये स्केल्स दिख रहे हैं आपको, है बेटा? स्केल्स दिख रहे हैं आपको? आगे चलते हैं, इसके डाइजेशन की बात करेंगे। पहले सबसे पहले माउथ कैसा है भाई? टर्मिनल। पिछले वाले में कैसा था? वेंट्रल। वेंट्रल, ठीक है। पिछले वाले में कैसा था? वेंट्रल। तो दिस इज, दिस माउथ इज टर्मिनल। टर्मिनल, ठीक।
दिस माउथ इज टर्मिनल. यहां तक समझ आ गई? यस सर. तो माउथ हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है. माउथ हमारे पास क्या है? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ हमारे पास कैसा है बेटा? टर्मिनल. पिछले वाले में वेंट्रल. देखो एक चीज और भी होती है बच्चे, अगर माउथ वेंट्रल होता है ना तो ज्यादा बड़ा खुल सकता है, शार्क जैसा. लेकिन ये तो छोटा ही खुलेगा, टर्मिनल वाला, ये बहुत बड़ा नहीं खुल सकता. दूसरा, रेस्पिरेशन में मैं कितने पेयर्स लिख रहा हूं गिल्स के? चार पेयर. पिछले वाले में कितने थे? 5 to 7. उससे पिछले में 6 to 15. समझ आ रहा है? गिल्स कम हो रहे हैं, है ना? यस सर. हाँ, और इसमें कवर है. कवर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरकुलम. ध्यान से देखो ये डायग्राम. ये देखो बेटा, ये गिल पे कवर होता है, यही तो हिलता रहता है फिश में, यही तो चीज हिलती रहती है, ये वाली देख रहे हो कवर, ये इसको कवर करता है ऐसे. आ रही समझ नहीं आ रही बेटा? यहां से पानी जाएगा और गिल्स में से ऐसे बाहर निकलेगा, तो इस ऑपरकुलम को हिलाएगा. दिस ऑपरकुलम. आई समझ? यस सर. हाँ, अब देखो जरा, यहां पर तो कार्टिलेजिनस फिश है, इसमें कोई कवर तो है नहीं. यहां देखो कवर है, दिख रहा है बेटा ये कवर? आई समझ नहीं आई? आ गई. दूसरी बात, हमने किसकी बात करी थी? स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर. देखो ऐसा होता है, इस तरीके का होता है इनके अंदर, ये दिख रहा है? इसके अंदर हवा भरी रहती है. अब ये इसकी वजह से एक जगह रुक सकते हैं. ये क्या देगी इसे? बोयंसी. बोयंसी क्या था याद है? बोयंसी क्या होता है? बोयंसी क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू फ्लोट, है ना? यस सर. उसे बोयंसी कह रहे हैं. सर्कुलेशन, हार्ट कितने चैम्बर है? 2 chamber. हार्ट 2 chamber है. हार्ट हमारे पास कितने चैम्बर है? 2 chamber है. उसमें से एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, ठीक है? एक ऑरिकल है और दूसरा हमारे पास क्या है? वेंट्रिकल. एंड दे आर क्या होगा? कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड एनिमल. क्लियर है? नहीं बताओ. यस सर. यस सर. क्लियर बताओ. तो ये सेम है ना पिछले वाले से? इसमें तो कोई फर्क आया नहीं. बच्चे समझ आ रहा है? ये वाला फीचर तो सेम है. अब आगे जाओ, जरा स्केल्स की बात कर लेते हैं. इनमें स्केल्स अलग टाइप के हैं, नाम है इनके. देखो अलग अलग शेप के स्केल्स होते हैं. देखो मैं आपको दिखाता हूं. देखो ए स्केल ये है, प्लेकोइड. प्लेकोइड स्केल ऐसा दिखता है, इस तरीके का. ये प्लेकोइड स्केल होता है. एक स्केल ये रे, इन्हें कहते हैं टीनोइड. ये ऐसे दिखते हैं, एक थोड़े गोल से होते हैं. इन्हें कहते हैं साइक्लोइड. ये वाले कौन से है? प्लेकोइड. और एक होते हैं गेनोइड. गेनोइड देखो ऐसे बॉक्स जैसे होते हैं. तो ये प्लेकोइड किसमें थे? कौन सी फिश में थे? कार्टिलेजिनस. इन वाले में कौन से हैं? साइक्लोइड और टीनोइड. समझ आया बेटा? स्केल्स की शेप अलग अलग. चार शेप के स्केल्स लिख रहा हूं मैं, देख लो आपके सामने. एक ये वाली शेप है, ये देखो ऐसी, इस तरह की शेप है. ये वाली अलग शेप है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बेटा, गोल है पीछे से ऐसे. और ये देखो ये स्क्वायर शेप के, इसे गेनोइड कहते हैं. तो टीनोइड, साइक्लोइड, गेनोइड, और ये वाले को क्या कहते हैं बेटा? प्लेकोइड. आ रहा समझ? तो शार्क में कौन से थे? प्लेकोइड. टीनोइड, साइक्लोइड और गेनोइड किसमें है हमारे पास? बोनी फिश में. यहां पर ये दो लिखे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से. कोई डाउट बताओ, देख लो बेटा आपके सामने है. स्केलेटल सिस्टम का मतलब आउटर सरफेस पे एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें, उसमें ये वाले स्केल्स हैं.
साइक्लोइड, टिनोइड और हमारे पास गेनोइड बोल सकते हो। आई समझ नहीं आई, बताओ। यस सर। डिफरेंसेस कंपेयर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट है, ये सिमिलर बात होगी, मेल फीमेल अलग ही होता है बेटा, उस काफी ग्रुप से अलग ही है। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब क्या हुआ, ये फिश है, इसने एग रिलीज कर दिए और ये फिश है, इसने क्या रिलीज कर दिए, स्पर्म। तो ये फ्यूज करके यहां पे जाइगोट बनेगा, उसमें से फिर फिश बनेगी। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? यस सर। अच्छा, ये जो एग ले कर रहे हैं ना, ये एग ले कर रहे हैं, इसे ओवीपेरस कह रहे हैं। एग दो तरीके का होता है, एक होता है फर्टिलाइज एग, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एग ले करें, जैसे कि इसमें पोल्ट्री में, मुर्गी वगैरह में। दूसरा होता है अनफर्टिलाइज एग। तो इसमें एग कौन सा है बेटा? अनफर्टिलाइज एग है, इसलिए फर्टिलाइजेशन कौन सी होगी, एक्सटर्नल। यस सर। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर बताना। मुझे बताओ जरा कि जो ओशियन में फिशरमैन होते हैं, जिन्हें मछुआरा बोलते हैं, वो फिश पकड़ने कहां पर जाते हैं बेटा? कोई पर्टिकुलर लोकेशन होती है क्या, जहां पे फिशेस एग ले करती है? ना, फिशेस क्या होती है, एग ले करती है बेटा। आप हमेशा याद रखो, उस पर्टिकुलर जगह को कहते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड। क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है, ये वो जगह होती है जहां पर मेल और फीमेल फिशेज इकट्ठी होती हैं। क्योंकि अगर आप खुद से सोचो, ओशियन बहुत बड़ी चीज है बेटा। ओशियन इतना बड़ा होता है कि उसमें अगर सारी एक स्पीशीज की फिश एक जगह आके एग ले नहीं करेंगी, तो कभी भी एग स्पर्म से फर्टिलाइज होगा ही नहीं। आई समझ नहीं आई मेरी बात? Yes, sir. तो ये वो जगह होती है जहां पर वो फिश पकड़ने जाते हैं, क्योंकि वहां पर ही फिश पकड़ पाएंगे और वहीं पर खूब सारे प्रिडेटर भी आ जाते हैं। बड़ी बड़ी शार्क वहां पर आ जाते हैं फिश खाने, बर्ड्स आ जाते हैं, वहीं पर फिश मिलती है। नहीं तो ओशन इतना बड़ा होता है बेटा, दिन भर में एक भी फिश नहीं मिलेगी। बताओ, आ गई समझ नहीं आ गई? यस सर आ गई। बताओ बेटा, आ गई समझ ना? यस सर। क्लियर है? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, वो जगह होती है जहां पर फिश पकड़ने जाते हैं, हर जगह नहीं जा सकते। तो इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी है बच्चे, कितनी कैसी फर्टिलाइजेशन है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक, लेकिन बेसिकली ओवीपेरस होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जरा मुझे बताओ, इनमें पेरेंटल केयर होगी? पेरेंटल केयर क्या होता है, व्हाट इज पेरेंटल केयर? बोलो बेटा, बोलो। अरे व्हाट इज पेरेंटल केयर, बताओ तो सही, कोई किसी को भी नहीं बता। सोनल, क्या होता है बेटा पेरेंटल केयर? नहीं पता बेटा, सुन मेरी बात, जो ये तो तुम्हें वर्ड से पता चलना चाहिए। पेरेंटल केयर का मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को एक लंबे समय तक प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखो, मैमल्स की पेरेंटल केयर कैसी है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, पर अगर किसी फिश ने अपना स्पर्म और एग बाहर रिलीज कर दिया, उसको पता ही नहीं उसका बच्चा कौन सा है, तो पेरेंटल केयर होगी क्या? नहीं होगी ना। तो पेरेंटल केयर फिश के बाद से स्टार्ट हुई है। फिश के बाद से कहां से, एम्फीबियन में भी नहीं होती लगभग, क्योंकि फ्रॉग भी ऐसा ही रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन उसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये मेरे एग हैं। आप देखते हो कि स्नेक अपने एग प्रोटेक्ट करता है कि नहीं? क्रोकोडाइल करता है, तो रेप्टाइल्स हो गए। बर्ड्स भी करते हैं पेरेंटल केयर? हाँ, देखो बर्ड्स भी करते हैं, पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा बेटा कि कोई रेप्टाइल, जैसे मान लो कोई, आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि कोई बड़ी छिपकली
कोई बड़ी रेप्टाइल आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि कोई बड़ी रेप्टाइल हमारे पास जो है वो अपने बच्चे को क्या कर रही है, खाना खिला रही है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। लेकिन बर्ड के केस में क्या होता है, वो बच्चे को हैच भी करता है, खाना भी खिलाता है, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब, अच्छा, मैमल में और ज्यादा होता है, दूध पिलाता है काफी समय तक, उसके बाद भी प्रोटेक्ट करता है, नहीं? Yes, sir. हाँ, आप खुद अपना एग्जांपल ले लो बेटा, आप देखो, आप मान लो आपकी जो भी एज है, अब आपके पेरेंट्स आपको और 10 साल प्रोटेक्ट करेंगे, कर देंगे कि नहीं बताओ, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। Yes, sir. है कि नहीं? तो एक्सट्रीम किस में? मैमल्स में। एक्सट्रीम पेरेंटल केयर किस में बेटा? मैमल्स में। और पेरेंटल केयर की जरूरत भी है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेनी कम होती गई, या इन्होंने लाखों एग बना दिए बेटा, या इन्होंने क्या बना दिए, लाखों एग बना दिए, उसमें से कितने बचेंगे कितने मरेंगे पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों के नंबर कम होते चले गए तो पेरेंटल केयर बढ़ानी पड़ेगी ताकि सर्वाइवल बढ़े। Yes, sir. सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे भाई, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ना, आप खुद से सोचो, जिन एनिमल्स में बेटा बच्चे और कम बनते हैं उनमें तो और ज्यादा एक्सट्रीम पेरेंटल केयर है, क्लियर? तो अगर आप नॉर्मली देखोगे प्राइमेट्स में, बंदर वाली फैमिली में एक ही बच्चा पैदा होता है, एक या दो हो सकते हैं मैक्सिमम, एक होते हैं नॉर्मली, तो उनमें क्या होगा, उनमें पेरेंटल केयर ज्यादा एक्सट्रीम है एज कंपेयर टू डॉग कैट, उसमें ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं एक बार में, है ना? Yes, sir. आप अगर अगर कभी ध्यान करो इस बात को, कैट डॉग एक थोड़ा सा जब बड़ा होता है उस बच्चे को छोड़ देते हैं वो, नहीं? ऐसा कभी देखा, बड़ा डॉग अपने बराबर के डॉग को साथ लेके घूम रहा है, मेरा बच्चा ये? No, sir. ऐसा तो नहीं होता ना। ये पेरेंटल केयर वाली बात समझ में आ गई बच्चे? Yes, sir. चलो आगे जाओ, कुछ एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल देखो। मैरीन, मैरीन का क्या एग्जांपल है? एक्सोसिटस। क्या एग्जांपल है बेटा? एक्सोसिटस। देखो मैं कुछ मैरीन बोनी फिश बता रहा हूं, एक्सोसिटस का नाम है फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस हॉर्स जैसा दिखता है, फिश होती है हॉर्स जैसी दिखती है बेटा, मतलब हम इसका अगर आपको दिखा पाए, अभी मेरे पास अगर नहीं है डायग्राम, मैं आपको दिखाता हूं, तो हॉर्स को सी हॉर्स कहते हैं कई बार, ये फिश है, पर हिप्पोकैम्पस क्या है बेटा? फिश है, ये सी हॉर्स जैसा दिखता है। उसके बाद फ्रेश वाटर की देखो, ये तो हो गए मैरीन, ये दो एग्जाम्पल हो गए मैरीन के। फ्रेश वाटर में लेबियो, जिसको रोहू कहते हैं, खाया जाता है इसे, रोहू कटला खाई जाती है बेटा। देखो सी वाला कटला उसका साइंटिफिक नेम है, के वाला कटला उसका कॉमन नेम है, सही है? Yes, sir. आ रहा है समझ नहीं बेटा? Yes, sir. हाँ, क्लेरियस साइंटिफिक नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, मगुर। बेटा साइंटिफिक नेम है, इसे फाइटिंग फिश कहते हैं। टेरोफाइलम को एंजल फिश कहते हैं। ये कुछ नाम है फिश के जो आपको करने हैं, ये सारी बोनी फिश है, तो ये वाली हमारे पास कौन सी हो गई? मैरीन है इसमें कुछ, ये वाली, और यहां से सारी फ्रेश वाटर है, ये यहां से सारी 1, 2, 3, ठीक है, ये फ्रेश वाटर है, ये एक्वेरियम में मिलती है बेटा, फ्रेश वाटर है एक्वेरियम में, फ्रेश वाटर है, मैरीन होता है फ्रेश, फ्रेश वाटर है ना, पानी क्यों बदलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है उसमें, आ रहा है समझ बेटा? Yes, sir. और नहीं तो फिर वो बबल वाला लगा के रखते हैं उसमें, है ना, एक होता है ना बबल बनाता रहता है उसमें, Yes, sir. हाँ, वो लगा के रखते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे देखो जरा भैया, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ आया ना बेटा यहां तक? क्लियर। अब जरा ये देख लो एक बार, आप लोग एनसीईआरटी फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ा करो बढ़िया से, सारा इजी है एनिमल किंगडम, मुश्किल टॉपिक नहीं है, समझ आएगा तो आसान है।
मेरे को बताओ अब आ जाओ जरा फटाफट से देखना बेटा जो चीजें बताऊंगा आपको देखो हम लोग वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट पे हमने ये डिवीजन करी थी याद आ रही सबको है बेटा यस सर हमने क्या किया था बच्चे देखो याद करो अभी जस्ट पढ़ा हमने हमने वर्टिब्रेट को सबसे पहले किसमें डिवाइड किया अग्नाथा में और जीनेथोस्टोमाटा इसमें जॉ नहीं होती जॉ में जो पहली क्लास है वो कौन सी है साइक्लोस्टोम ये क्या इनमें जॉ है जॉ में क्या आ जाएगी बेटा जॉ में हमारे पास क्या आ जाएगी पाइसिस और क्या जाएगी बेटा टेट्रापोडा पाइसिस मतलब फिशेस फिशेस में क्या आएंगे बेटा कॉन्ड्रेसाइट्स और ऑस्टिसाइट्स समझ आया बोलो कॉन्ड्रेसाइट्स और ऑस्टिसाइट्स ठीक क्लियर टेट्रापोडा क्या है जिसमें हाथ पैर होते हैं ठीक तो क्या रहेगा इसमें इस चीज को समझो एम्फीबिया रेप्टिलिया एव्स और मैमल्स ये क्लियर है बेटा बताओ बोलो बेटा यस सर है ना तो हमारे पास ये क्लासेस थी सबसे पहले हम लोग आ गए किस पे साइक्लोस्टोम पे क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले हमने कहा है साइक्लोस्टोम जो थी उसमें ज्यादातर मेंबर क्या है एक्टोपैरासाइट ये पॉइंट में किसी को फर्क एक्टोपैरासाइट उनका माउथ सेक्टोरी होता है कितने गिल्स बताए थे बेटा 6 to 15 उसके बाद उसमें कौन सा माउथ होता है सर्कुलर जिसमें जॉ नहीं है और इसके इस बॉडी पे क्या नहीं होते याद करो हमने मना किया था क्या नहीं होते स्केल्स नहीं होते और ना इसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं याद आया यस क्रेनियम मतलब सर हेड वाला और वर्टिब्रल कॉलम किसका बना हुआ है कार्टिलेज का सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा दो चैम्बर हार्ट होगा नॉर्मल जैसा होता है नॉर्मल फिश में बेटा ये मैरीन होती हैं लेकिन कहाँ जाती हैं स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती हैं फ्रेश वाटर में और ये वापसी आती है क्लियर और ये मतलब ये मर जाती है वहीं पर और जो लार्वा होता है वो वापसी आता है क्लियर लार्वा होता है वो वापसी आता है तो हमारे पास पेट्रोमाइजोन एक एग्जाम्पल बताया था और एक बताया था माइक्सिन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगली क्लास जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा कौन सी क्लास बोलते हैं कॉन्ड्रीसाइट्स कौन सी क्लास बोलते हैं बेटा कॉन्ड्रीसाइट्स तो ये कैसे एनिमल है मैरीन है ना माउथ कैसा बताया था बताओ कार्टिलेजिनस फिश का वेंट्रल और कहा था नोटोकोड रहती है इनमें अच्छा गिल्स में नंबर नहीं लिखा हुआ इसमें एनसीईआरटी में पर गिल में ऑपरकुलम नहीं होता और ना उसमें क्या होता बेटा ऑपरकुलम नहीं होता स्किन क्या होती है इनकी टफ होती है उनपे कौन सा स्केल होता है प्लेकॉइड और टीथ में भी प्लेकॉइड स्केल है जो पीछे की तरफ डायरेक्ट है जॉ इनकी पावरफुल होती है क्लियर जॉ इनकी काफी पावरफुल होती है और ये प्रीडेटर होते हैं प्रीडेशियस समझ आ रहा है क्योंकि इनकी जॉ स्ट्रॉन्ग है प्रीडेटर होते हैं बेटा जॉ के थ्रू कट कर रहे हैं एनिमल को ठीक है
इनमें क्या नहीं होता, एयर ब्लैडर नहीं होता, ताकि ये कॉन्स्टेंटली क्या कर सकें, स्विम कर सकें, टू अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग अवॉइड करने के लिए कंटिन्यूसली क्या कर सके, स्विम कर सके बेटा, क्या कर सके, स्विम कर सके। क्लियर? हार्ट कितने चैम्बर है? दो चैम्बर, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। क्लियर? वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। यहां तक समझ आ गया? सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, क्या नाम है उनके, टॉर्पीडो, और दूसरा हमारे पास ट्राइगन जिसपे पॉइजन स्टिंग है। दे हैव कोल्ड ब्लडेड एनिमल, समझ आ रहा है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, समझ आया बेटा। ये देखो, ये हिप्पोकैम्पस जो मैं बात कर रहा था अभी, बोनी फिश में पढ़ा ना हमने, वो है ये। क्लियर? अब याद करो, हमने क्लास पर ऑर्गन किस पे बोले थे, पेल्विक फिन्स पे, याद आया बेटा, बोलो, इनपे कौन सी फर्टिलाइजेशन थी, इंटरनल, और ये क्या थे, विविपेरस। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो मैं सिंपल वेंट्रल और टर्मिनल माउथ पे कर सकता हूं, गिल्स पे कर सकता हूं, ऑपरकुलम पे कर सकता हूं, और स्विम ब्लैडर पे कंपैरिजन कर सकता हूं, स्केल्स पे कर सकता हूं, और मैं किस पे करूंगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल पे, विविपेरस और ओविपेरस पे। ये पॉइंट समझ में आ रहे बेटा कंपैरिजन के? इसमें आएगी डॉग फिश, सॉ फिश, मतलब सॉ फिश क्या होता है, उस फिश के स्टार्टिंग में बेटा ऐसे जो फिश, ये फिश होती है, सॉ फिश ऐसी दिखती है, ऐसे नॉर्मल सी फिश होगी हमारे पास, ऐसे उस फिश में यहां पर ऐसे सॉ जैसा होगा, आरी जैसा काटने के लिए, समझ आया? देखो ये रही, ये रही बेटा, दिख रहा है ये, क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो, प्रिस्टिस सॉफिस, चारकराडोन, कारकराडोन किसको बोलते हैं, व्हाइट शार्क को, टाइगर स्टिंगरे है, ठीक। अब आ जाओ बोनीफिश के बारे में, बोनीफिश की कौन सी क्लास है, ऑस्टिसाइट्स, ये दोनों में होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी। क्लियर? एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी। क्लियर? एंडोस्केलेटन कैसा होता है बेटा, बोनी होता है। क्लियर? बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। माउथ कैसा है, टर्मिनल, समझ आ रहा है बेटा? इनमें ऑपरकुलम है, बताओ yes, sir. में क्या है, ऑपरकुलम है दोनों साइड में। स्किन कवर है किससे, साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल से। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है बेटा, एयर ब्लैडर बॉयंसी देता है, याद करो बॉयंसी क्या बताया था, तैरेगा। क्लियर? अच्छा yes, sir. हार्ट कितने चैम्बर था, टू चैम्बर, और उसमें कोल्ड ब्लडेड है बेटा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने जब स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके हार्ट में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहां से गिल्स में जाता है, वहां जाकर ऑक्सीजनेटेड होता है। क्लियर? सेक्सेस कैसे हैं बेटा, सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। समझ आ गया नहीं? यस सर। बोलो बेटा। यस। हैं? समझ आ गया नहीं, आ गया बेटा? आ गया सर। देखो, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश को कहते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को कहते हैं, ये हमने नाम पढ़ लिए सारे। क्लियर बेटा? आपके स्कूल के एग्जाम में या किसी भी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका कंपैरिजन, बोनी फिश का और कार्टिलेजनस फिश का। क्लियर? इनका कंपैरिजन आपको आना चाहिए, ठीक है।
अब आपके पास कितने ग्रुप रह गए? चार. चार कौन कौन से रह गए? एक रह गया हमारे पास क्या? एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, हाँ, और एप्स और मैमल्स. इसमें से कौन से कोल्ड ब्लडेड है, कौन से वार्म ब्लडेड है, ये बताओ. सर, एप्स और मैमेलिया वार्म ब्लडेड है, उससे पहले के कोल्ड ब्लडेड है. हाँ, और रेप्टाइल्स में एक्सेप्शनल केस क्रोकोडाइल का है. क्रोकोडाइल क्या है? एक्सेप्शनल है. चार चेंबर होता है, ये एक्सेप्शन है. क्रोकोडाइल फोर चैम्बर होता है, इस बात की एक्सेप्शन है बेटा. यस सर. हाँ, वो वार्म ब्लडेड थोड़ी है. फिश कितने चैम्बर है? दो चैम्बर. एम्फीबिया रेप्टाइल तीन चैम्बर, और एव्स और मैमल्स चार चैम्बर है बेटा. ठीक है, ठीक है बेटा. Yes, sir. चलो इतना पढ़ो एक बार जरा एनसीईआरटी से. ठीक है, क्लियर. मैं इसके क्वेश्चंस आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में. क्लियर सर, इस चैप्टर के नोट्स सेंड कर देना. मैंने वो ग्रुप में सेंड किए थे ना आपको, पीडीएफ, उससे नहीं बनाया आपने बेटा? एक पीडीएफ सेंड की थी ना, नहीं की थी? यस सर, की थी. की थी, उससे लिख लोगे? Yes, ना वही तो लिखना है. पीडीएफ वाला लिख सकते हो, नहीं लिख सकते सौरभ? सर लिख लूंगा. वो जो पीडीएफ भेजी है ना बेटा, वो वही है जो क्लास में पढ़ा रहा हूं. तो आप लेक्चर, एक काम और कर सकते हो, लेक्चर दोबारा देखते हुए भी साथ के साथ नोट कर लो, फिर रोक रोक के. ओके सर. क्योंकि खुद बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इस वाले चैप्टर, क्योंकि ये डाटाबेस चैप्टर है. खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा याद होगा. ठीक है? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग. ठीक है. अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आपकी कोई क्लास होती है क्या फ्राइडे को 3 से 5 के बीच में, 3:30 से 5? No, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. लक्षिता आपकी होती है बेटा? Yes, sir. अच्छा ठीक है. वैसे कौन सी क्लास होती है फ्राइडे को? कोई भी नहीं होती. चलो एक बार राम सर डिस्कस करेंगे आपसे, तो बात कर लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. इतना करके रखना बेटा, है ना? ठीक है बेटा, पढ़ा करो एक बार, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको.